कि यदि आप भाजपा के साथ नहीं है तो आपको अनाज तक नहीं मिलेगा। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई ने कर्नाटका को कह दिया कि हम आपको चावल नहीं बेचेंगे। बताइए, ये फेडरल स्ट्रक्चर है। अब एफसीआई गैर भाजपा सरकारों में चावल नहीं बेचेगी। आपको लेना है तो अडानी के वेयरहाउस से लीजिए। कल के दिन में कह देगा कि हम यहाँ पर पेट्रोलियम पदार्थ नहीं घुसने देंगे। ये सब चीजें सही नहीं है। तब तो फिर कल से हम लोग भी कह देंगे यहां से एक ढेला बॉक्साइट बाहर नहीं जाएगा, एक ढेला कोयला बाहर नहीं जाएगा, एक रत्ती यूरेनियम नहीं जाएगा, जिस्ता नहीं जाएगा, तांबा नहीं जाएगा, लोहा नहीं जाएगा। चबा लीजिएगा, क्या देश ये? कौन सा शासन व्यवस्था है? कौन सा संघीय व्यवस्था है? और उस पर प्रधानमंत्री जी चुप रहते हैं और राजनीतिक तौर पर भ्रम फैलाने के लिए गलत तथ्यों के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को घुमा रहे हैं। जो संपर्कहीन लोग हैं आप जब संपर्क चला रहे हैं, दूसरों का टिफिन छीनकर खुद टिफिन खा रहे, यही है भारतीय जनता पार्टी का चेहरा। सब जगह से जहां जहां होगा वहीं से, क्योंकि उसी जिला या प्रखंड को बोल देंगे तो उतना पूरा आ जाएगा। तो ये जहां सरकार की प्रतिबद्धता दिख रही है वहीं भाजपा की तिलमिलाहट भी दिख रही है। उत्तरकाशी कहे नहीं गए थे? मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? नड्डा जी को तो मैं खुला चुनौती देता हूं कि आप मणिपुर जाइए, बिहार जाने का जरूरत नहीं है। कल बिहार में बाकी लोग जुट रहे हैं, हम लोग भी जाएंगे, इसलिए बिहार जाने का जरूरत नहीं है। नॉर्थ ईस्ट जाइए, नॉर्थ ईस्ट। मिजोरम में चुनाव है, सब बुद्धि भुला जाएगा वहां पर। झारखंड सरकार कि जो ये उपलब्धि है, और आगामी दिनों में मैं आपसे कह रहा हूं कि सरकार ने जेएससीसी को अधियाचना के भेजी है ताकि 26,000 एक शिक्षक की नियुक्ति यथाशीघ्र हो जाए, इसी साल हो जाए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसी साल जेपीएससी का भी एक बैच जरूर निकल के आएगा। हमने उनको जब बोले थे कि 1,00,000 लोग आएंगे, हमने कहा था कि भाई आप उस दिन जो धुरवा का बाजार लगता है सेक्टर 3 का, वहां एक चौकी बिछा के कर लीजिए। नहीं माने। फिर हम बोले कि एक काम कीजिए, आपके अध्यक्ष जी को बुला के सतरंजी बाजार में कर लीजिए, कम से कम गिरिडीह जैसा तो दिक्कत नहीं होता। ये सब हाथ हटिया का दिन हम लोग से पूछ लीजिएगा दीपक बाबा, हम बता देंगे। आप खिलेगा, अब यह जमीन साफ हो चुकी है, यहां भाईचारा का फूल खिलेगा। अपना पहचान तीर धनुष होगा। अब यहां कोई कादो नहीं है। जितना कादो करना था आप लोग कर लिए। डोबा खोद के जो कादो किए थे वो खत्म हो गया। कितने लोग थे झंडा मैदान में? पांच जिला लगा हुआ था, तब जाकर 5,000 नहीं पूरा।
अब से तो हम कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इस टाइप का जो बाहरी नेता उता लोग आता है, हम लोगों को भी खराब लगता है कि आप लोग के प्रति इमेज बड़ा खराब हो जाता है। तो पहले से सूचना दे दीजिएगा तो 2-4-5 हजार आदमी हम लोग भी दे देंगे। क्या करें, खराब लगता है ना। अब अमित शाह जी को आकर चुनाव के समय चक्रधरपुर के लिए 6 घंटा बैठना पड़ता है एयरपोर्ट में, इतना भारी भरकम शरीर लेके नड्डा जी आए, 4-4.5 हजार आदमी उठ उठता है, हम लोग को अच्छा नहीं लगता। जब जब रिक्विजिशन देगा भारतीय जनता पार्टी का झारखंड प्रदेश कमेटी, 5-10 हजार आदमी हम लोग अपना भेज देंगे। कि गिरिडीह का चयन उनसे गलती में हो गया, क्योंकि वो लोग आजकल जिसको नेता मानते हैं उनका नाम है बाबूलाल मरांडी जी, उनको लगा कि बड़ा जनाधार वाला नेता होंगे। अभी कर्नाटका का शौक लगा है, जब गृहमंत्री जी का आप लोग देखे होंगे NI ने चलाया था कि कोई पब्लिक नहीं आता है, काहे बुला देते हो रोड शो में, तो सोचे कि ये कुछ अपना ढिप ढाप दिए होंगे कि पूरा मैदान भर जाएगा, खचाखच हो जाएगा। ए बप्पा, आके देखते एक आदमी नहीं, यही तो गलत चयन हो गया। अपनी दीपक दा को बोल के गए कि अब से कहीं ऐसा जगह रखना वहां पर प्रेस ना पहुंच पाए, तब हमको लगता है दूसरा जगह का चयन होगा। एक ट्रक के पीछे बड़ा अच्छा सेंटेंस लिखा रहता है, बुरी नजर वाले वो क्या रहता है, वो बोला पढ़ लीजिएगा। तो JMM अपने तरफ से सिर्फ कार्यकर्ता भी भेजेंगे उनके।